जय श्री कृष्णा। एंड अभी पूरे दिन का जो जो भी रहा सब बताऊंगा। सुबह ये एनसीसी का भी बताया नहीं था कि जाने वाला वो, सो अभी पूरे दिन का बताऊंगा समर। मेरा भैया है गुस्सा हो जैसे। यूनिफॉर्म लुक लाइक आपने फोटो में देखा ही होगा। एंड पहले तो मैं इसे चेंज करता हूँ बिकॉज इसमें बहुत गर्म हो रहा है। एंड ये पूरा सब निकालना है, ये जो इसके आर्टिकल्स रहते हैं और शूज़ वगैरह। सो उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या क्या हुआ आज एंड एवरीथिंग। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इसे देखो, पहले तो इसे देखो, ये मतलब पूरा अटेंशन इसे चाहिए रहता है। सो आज वो एनसीसी के पूरा यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज को गया था बिकॉज डीन सर के साथ फोटोज़ निकालने थे। वो नैक रिलेटेड कुछ तो प्रोग्राम आने वाला है 11, 12 और 13 को। सो प्रोग्राम नहीं है, वो एक्रेडिटेशन रहता है, हाँ शायद ऐसे ही कुछ तो प्रोनाउंस करते हैं। सो उसके लिए डीन सर के साथ फ़ोटोज़ चाहिए थे एनसीसी के यूनिफॉर्म में। सो उसके लिए गया था। ये देखो, जस्ट लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट। ही वॉन्ट्स टू ईट माई हैंड, लाइक सीरियसली। इफ़ यू आर एन बॉडी बिल्डर या फिर आप किसी भी स्पोर्ट में अगर रहते होंगे तो यू नीड टू चेक योर बॉडी। सो आज एक इंस्ट्रूमेंट नहीं, आज एक थिंग लेने जाने वाला हूँ मैं बुक करने के लिए। सो उसके लिए ब्लॉग एंड तक देखना, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। एंड आज मेरा पुस्सा वाले से फेवरेट भाई आया है तो उसके साथ थोड़ी सी बातचीत करूँगा एंड आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे पूरा एक मिरर लगवाने वाला हूँ मैं, जिसके ऑर्डर आज देने जाएंगे हम। सो इट विल बी फ्रॉम हियर टू डाउन देयर। इसकी साइज ली है, इट्स 5x3 फुट। तो यहाँ पे मिरर आने वाला है एंड यहाँ पे मैं ऊपर लाइट लगाने वाला हूँ। सो डाउन लाइटिंग में यहाँ पे मिरर, सो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पे। एंड जिम में मैंने ऐसा देखा है कि जब हम बहुत दूर खड़े होते हैं तो मिरर में ऐसा साइड से या वहाँ पे कर्व दिखता है एंड बॉडी अच्छी नहीं दिखती। सो उसके लिए हाई क्वालिटी का मिरर लेना पड़ेगा मुझे एंड दैट्स ओके बिकॉज सबसे ज़्यादा मैं जो यूज़ करता हूँ वो मिरर यूज़ करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे हम टीवी लगवाने वाले थे बट आई थिंक दैट्स ऑफ नो यूज़, मुझे टीवी इतनी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे स्क्रीन है, एक कंप्यूटर की स्क्रीन है एंड यहाँ पे मिरर आएगा। तो जब ये सेटअप पूरा तैयार हो जाएगा तब यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ कंटेंट शॉट हियर। एंड यहाँ भी कुछ तो करने के प्लान्स हैं, सो वो आपको आगे के वीडियोस में पता चलेंगे। सो वही, लेट्स गो, अभी लेट हो रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो यू विल गेट टू नो सो हाउ इज़ दिस सेटअप गोना लुक। एंड एक्चुअली मेरे दिमाग में थोड़े से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का प्लान है। सो लेट्स सी, अगर सब्सक्राइब करके रखो एंड आपको आगे जाके पता चलेगा। जब यहाँ पे मिरर आएगा तो जो वीडियोस रहेंगे, जो बॉडीज़ के फोटोज़ और वो बहुत अच्छा आने वाले। तो यहाँ पे बड़ा मिरर लाएंगे, सो वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा वो कौन सा ले लेंगे। तो अभी तो हम पहले उसको ऑर्डर देते हैं। सो लेट्स गो। तो अभी जिम का टाइम हो रहा है एंड मैं मोस्ट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ प्री वर्कआउट में, बट आज मेरा मूड नहीं है ब्लैक कॉफ़ी पीने का और मुझे एनर्जी भी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई मेड। एंड इफ़ यू आर एन बॉडी बिल्डर या फिर आप जिम करते हो या किसी भी तरह के आप फिटनेस एक्टिविटी में हो, सो यू माइट बी टेकिंग वे एज अ सप्लीमेंट। मोस्ट ऑफ वे प्रोटीन में चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा सेल होता है, सो दिस इज चॉकलेट फ्लेवर वे प्रोटीन। एंड इसमें 2 सैशे कॉफ़ी के डाले, सो इट्स चॉकलेट कॉफ़ी। एंड ये सब मैंने मिल्क में ऐड किया है, चिल्ड मिल्क, सो दिस टेस्ट अमेजिंग।
ये 200 ml अप्रोक्सीमेटली है एंड आई एम गोइंग टू फिनिश इट। तो ये मुझे एनर्जी भी देने वाला है एंड मिल्क में फैट्स भी है और प्रोटीन भी है एंड कार्ब्स भी है, तो जो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेगा। एंड जो कॉफ़ी पी थी वो प्री वर्कआउट में स्टिमुलस के तौर पर यूज़ होगी, तो आई एम गोइंग टू टेक इट नाउ एंड इसके बाद मैं जिम में जाने वाला हूँ। सो दिस इज़ माई प्री वर्कआउट मील, सो आई टोटली रिकमेंड ट्राइंग दिस मील आउट, प्री वर्कआउट मील। जस्ट फिनिश माई प्री वर्कआउट चॉकलेट कोल्ड कॉफ़ी। अगर आपको किसी को चॉकलेट कॉफ़ी पीने का मन करता है सो जस्ट गिव इट अ ट्राई, ये बहुत ही हेल्थ फ्रेंडली है एंड इट्स गोइंग टू बी इंक्रीजिंग योर मसल मास। सो ये जस्ट ये आपके क्रेविंग्स को भी पूरा कर देगा एंड आपके डाइट में मैक्रोस फ्रेंडली भी रह जाएगा। सो जस्ट गिव अ शॉट एंड अभी मैं जा रहा हूँ जिम को, सो लेट्स गो। Search for you, stay.